आप देख रहे हैं अपना चैनल किनोनिनो टैलेंट। नमस्कार, किनोनिनो टैलेंट में आपका स्वागत अभिनंदन। आज का विषय है डेंजर कौन, कोरोना वायरस या कुछ और। आज हम इसी विषय पर डिस्कशन करेंगे। यूं तो कोरोना वायरस के बारे में हम सभी को काफी सारी इंफॉर्मेशंस हैं और ये सारी इंफॉर्मेशंस और इंस्ट्रक्शंस हमें कई सारे रिसोर्सेज से मिल रही हैं। बावजूद इसके हम कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में ही जी रहे हैं। हम डरे हुए हैं, हर कोरोना वायरस की चपेट में भी आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हम कब तक ऐसे ही डरे सहमे जीते रहेंगे? इस खतरे की वजह आखिर क्या है, कोरोना वायरस या कुछ और? ऐसे कई सवाल हमारे माइंड में आते रहते हैं। काश हम कोरोना वायरस से ही ये सारे सवाल पूछ पाते। चलो थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि हम कोरोना वायरस से बात कर रहे हैं। ऐसा करके हम अपने कन्फ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। हेलो, क्या आप ही कोरोना हैं? हाँ, मैं ही कोरोना हूँ। सुना है आप बहुत पावरफुल हैं? नहीं, मैं तो इतना छोटा हूँ कि एक हवा का झोंका भी मुझे अपने साथ उड़ा ले जाता है। और इतना कमजोर हूँ कि साबुन या सैनिटाइजर के संपर्क में आते ही एक्टिव रहना बंद हो जाता हूँ। अच्छा, क्या सच में ऐसा है? यदि ऐसी बात है तो आपकी वजह से इतना हाहाकार क्यों मचा हुआ है? क्यों इतने लोगों की मौतें हो रही हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। दरअसल मुझ कमजोर से वायरस को ताकतवर बनाने के लिए तुम्हारी केयरलेसनेस ही मेरी हेल्प करती है। वो कैसे? देखो, तुम्हें ये तो पता ही होगा कि मैं तुम्हारे पास तक कैसे कैसे आ सकता हूँ। जैसे जब तुम किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आते हो जो मुझसे इन्फेक्टेड है, या इनडायरेक्टली कांटेक्ट में, एग्जाम्पल के तौर पर उसके कांटेक्ट में या उसके द्वारा यूज में आने वाली कोई भी वस्तु, जैसे उसकी चेयर, डोर हैंडल एक्सेट्रा, जिसे तुम टच कर लेते हो और फिर हैंड वॉश या सैनिटाइज किए बगैर ही उन हाथों को अपने मुंह, नाक और आंखों तक ले जाते हो। और हाँ, मैं वायुमंडल में भी फैला हुआ हूँ, जो जब तुम सांस ले रहे होते हो या बात कर रहे होते हो तो भी मुझे तुम्हारे अंदर आने का मौका मिल जाता है। हाँ, डॉक्टर्स की तरफ से भी यह सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है और ये भी इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं कि हम लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस रखने होंगे आपसे बचने के लिए। जैसे जब भी घर से बाहर निकलें तो मुंह और नाक को मास्क से ढक कर रखें, अपने हाथों को थोड़े थोड़े समय के बाद वॉश या सैनिटाइज करते रहें, लोगों से डिस्टेंस बना कर ही उठना बैठना, घूमना फिरना, गुनगुना पानी पिए सो दैट गले में खराश ना हो, ह्यूमिडिटी बढ़ाने वाली चीजों का अपने खान पान में इस्तेमाल करें, वगैरह वगैरह। इन सारी इंस्ट्रक्शंस को तो हम सभी फॉलो कर रहे हैं, फिर भी हम कभी केयरलेस हो सकते हैं। चलो मान लिया आप हमारे अंदर पहुंच भी गए, तो इतने पावरफुल कैसे हो जाते हो? हाँ, वही बता रहा हूँ, आगे तो सुनो। जब मैं तुम लोगों के अंदर एंटर करता हूँ तो तुम्हें कुछ ना कुछ फीलिंग तो कराता ही हूँ, जैसे हल्का जुखाम आना, फीवर आना, गले में खराश मचना, मुंह का स्वाद चले जाना, कफ जमा हो जाना एक्सेट्रा। इसे तुम फर्स्ट स्टेज का इन्फेक्शन कह सकते हो। अगर तुम उसी टाइम पर अपना चेकअप करवा लो और इस इन्फेक्शन को खत्म करने की मेडिसिन ले लो तो मुझे पावरफुल होने से तो रोक ही सकते हो। मैं जैसे ही किसी पर्सन के कॉन्टेक्ट में आता हूँ मेरी पावर अपने आप बढ़नी शुरू होने लग जाती है और मैं एक्टिव होता चला जाता हूँ। यही मेरे पावरफुल होने का राज है, जो तुम सबको पता होना ही चाहिए। अगर तुमने इस फर्स्ट स्टेज को इग्नोर करने की कोशिश की, या कहूँ अनदेखा करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारे नाक, मुंह, गले से नीचे उतर कर
तुम्हारी श्वास नली और लंग्स को इन्फेक्टेड करना शुरू कर देता हूँ, जिससे तुम्हें सांस लेने में प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। और जैसे जैसे मैं पावरफुल होता चला जाता हूँ, ये प्रॉब्लम्स और भी क्रिटिकल होती चली जाती हैं। क्या इस क्रिटिकल कंडीशन से भी कोई उभर सकता है? हाँ, ऐसे हालात में वो ही उभर सकता है जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है। कहने का मतलब, उसकी बॉडी में मुझसे लड़ने की पावर मेरी पावर से भी ज्यादा है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान। क्या कोई ऐसा पर्सन जिसे पहले से ही कोई बीमारी है, जैसे हार्ट पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, वो भी? हाँ, वो भी उस क्रिटिकल कंडीशन से भी उभर सकता है, यदि उनकी बॉडी में भी इम्यूनिटी पावर अच्छी हो तो। लेकिन लोग तो कहते हैं कि, पता नहीं लोगों ने मेरे बारे में क्या क्या कंफ्यूजन्स पाल के रखी हैं। कोई कहता है कि मैं भीड़भाड़ वाले एरिया में ही एक्टिव रहता हूँ, कोई कहता है कि मैं सिर्फ अमीरों को नुकसान पहुँचाता हूँ, और ना जाने क्या क्या। सच तो ये है कि जो भी मेरे संपर्क में आ जाता है, जिस वक्त पर भी आता है, जिस स्थान पर भी आता है, मैं उसे इन्फेक्टेड कर ही देता हूँ। चाहे वो व्यक्ति अमीर हो या गरीब, पुरुष हो या महिला, अच्छा हो या बुरा, मुझे इससे क्या। गवर्नमेंट आपसे जंग जीतने के लिए कई सारे प्रोग्राम चला रही है, जैसे जल्दी मार्केट बंद करना, नाइट कर्फ्यू, किसी शादी पार्टी में कम लोगों को बुलाना, बॉर्डर सील करना और भी कई कंट्रोल्स। क्या ऐसा करके भी हम आपसे जीत नहीं सकते? हा, तुम लोगों ने तो पूरे देश में लॉकडाउन भी तो किया था ना, जंग जीत पाए क्या? ये सब करके तुम मेरी फैलने की स्पीड को कम तो कर सकते हो, पर मुझे हरा नहीं सकते। फिर तो आप बहुत खतरनाक हो। तुम जो चाहे कहो, मुझे ऐसा बनाया किसने? तुम इंसानों ही तो ना। तो फिर आपसे कैसे जीता जा सकता है? जीतना चाहते हो तो सुनो, मेरे अंदर तो एक ही खूबी है जो तुम इंसानों में नहीं है, और वो ये है कि मैं अपना नेचर कभी नहीं बदलता। मैं जिसके भी शरीर में जाता हूँ, उसको इन्फेक्टेड करना शुरू कर देता हूँ। मेरा ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु। तुम मेरी इस खूबी को मेरी कमजोरी भी बना सकते हो, और ऐसा करके ही तुम मुझसे जीत सकते हो। वो कैसे? और हाँ, आपने ये क्या कहा कि हम इंसान अपना नेचर बदल लेते हैं? सच कहा तो बुरा मान गए? जब तुम्हारे आसपास तुम्हारा कोई परिचित, पड़ोसी या रिश्तेदार मुझसे इन्फेक्टेड हो जाता है, तब तुम उसके पूरी परिवार को कैसे घना से देखने लग जाते हो, जिसके साथ तुम रोज हंसते बैठते थे। तुम्हारा व्यवहार कुछ ऐसा हो जाता है मानो उसने कोई अपराध कर दिया हो। बदल जाता है ना तुम्हारा नेचर। अगर तुम सब तब भी एकजुट बने रहो और अपना नेचर ना बदलो, तो तुम्हारी जीत का रास्ता खुल सकता है। इन्फेक्टेड पर्सन को हिम्मत देकर और उसके परिवार का विशेष ख्याल रखकर, उन सबको वो चीजें प्रोवाइड कर जो शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है, उन्हें वो सब चीजें प्रोवाइड करा के, जैसे गिलोय, खट्टे रस वाले फ्रूट्स, संतरे, मौसमी, नींबू एक्सेट्रा, उस परिवार के जरूरत का सामान उनके घर के गेट तक तो पहुंचा ही सकते हो। ऐसी परिस्थिति में मैं तो अपने नेचर के हिसाब से तुम सबको इन्फेक्टेड करता ही रहूंगा, लेकिन तुम्हारी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी और विल पावर मुझे हरा देगी। ये पूरी लड़ाई हौसले और इम्यूनिटी पर ही निर्भर है। अगर इसकी जरा भी कमी होने ना दी, तो तुम सबकी जीत निश्चित है। जी शुक्रिया, आपसे बात करके इतना तो समझ आ ही रहा है कि आपसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही भी नहीं होना है। और यह भी पता चला कि कोरोना की फर्स्ट स्टेज को हल्के में लेना, यानी कि लाइटली लेना, खतरनाक होता है। और इससे भी अधिक खतरनाक होता है हमारा वो बदला हुआ नेचर जो हमें मिलकर कोरोना से लड़ने नहीं देता। जी हाँ, सबसे खतरनाक वो होते हैं जो अवसर देखकर अपना नेचर बदल लेते हैं, और इसी को कहते हैं रंग बदलना, और यही है सबसे डेंजर। धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, और हमारे चैनल किनो नीनो टैलेंट को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।